जिंदगी पुत्तन की फटाफट से ये देखिए मैं क्या खा रही हूँ, रंग बिरंगे चक्रे। अभी खाएंगे, खाइए। पुत्तन हाय का बॉस, कितने दिनों बाद है? हाँ? क्या याद आ गई मेरी? हाँ, इतनी जल्दी याद आ गई? हाँ, मी ने तो मुझे 10 दिन अपने घर पे ना रखा है का बॉस, और 10 दिन के अंदर ही मुझे भगा दिया है, वो भी बस एक नारियल दे करके। मेरा दिमाग इतना खराब हो इनका बॉस, मन में आया वही नारियल उठा बच्ची के सर पे दे मारूं। तुझे एक नारियल दिया मैंने? हाँ इनका मुझे इस बार नारियल नहीं दिया, मैं भी लूंगी। हाँ, अब बत्ती चालू, वो लौंडा लपाड़ी लेकर के भग गया घूमने। अच्छा तू गुस्सा ना कर, तू गुस्सा क्यों ना करूं? ले तू खा चकरे, रंग बिरंगे ननू लाया था। हाँ बोल, क्या काम है? काम कुछ नहीं है, तू एक बात बता मुझे, तूने अपने जो जीवन तूने बिताया अभी तक, जिंदगी पुत्तन की जो तूने की है, हाँ। वो तूने 29 साल पूरे के पूरे मेरे घर में बिताए कि नहीं? वो तो तुम लोग की मजबूरी थी बस, इसलिए मुझे 29 साल तक यहाँ तक रखा हुआ था। तो कैसे भूल सकती हूँ मेरे 29 साल के काले दिन और उजाले रात? हाँ? हाँ। कैसे कैसे याद नहीं है? सुबह सुबह तड़के सुबह मी मुझे उठा देती थी, उठ उठ उठ, सबके वर्दियां प्रेस कर, मेरे कपड़े प्रेस कर, और खाना बना, डब्बे बांध, ये सुबह सुबह उठ के अंधेरे में काम करती थी, याद है? पता नहीं, मैं तो छोटी थी, मैं तो सोती थी। हाँ, मैं तुमसे भी छोटी थी, मैं नहीं सोती थी। हाँ, तो सवेरे तुम सबको तैयार करके मैं जाती थी, समय बचता था तब मैं जा करके अपने स्कूल जाती थी, फिर तुम लोगों से पहले मैं घर आती थी, सब काम वापस करके तुम लोग खिला पिला के, जब तुम सब सो जाती थी मैं सोने चलती थी, मी आती थी, उठती थी, पुत्तन उठ, फिर तेज लाइट जला देती थी मी, और वो ढेर सारा चावल देती थी, बोलती थी ये चावल साफ करके सुबह उठ के बनाने हैं। तो कैसे भूल सकती मैं वो अपने 29 साल काले दिन और उजाले रातें? देख पुत्तन, तो गुस्सा ना करी है ना, मैं तेरी माँ जैसी हूँ, मैं भले ही माँ जैसी ना हूँ लेकिन मैं तेरी माँ जैसी हूँ, ठीक है? हाँ? तो वो गुस्सा छोड़ दे, और तू ये बता, तू हमारी लाडो रानी है, तू हमारी लाडो रानी है पुत्तन। हाँ लाडो रानी, तुमने वो जियो जिंदगी पुत्तन की कैसे ले लिया मुझे अच्छे से याद है। पुत्तन सुन, तू है ना ये सब छोड़ दे और सुन। हाँ? अभी भी मैं तेरी बॉस हूँ। बोलो बॉस, क्या काम है? सुन तू ना अपने मियाँ को भूल जा कुछ दिन के लिए। क्या बात कर रही है? वो नजर बट्टू, वो तेरा नजर बट्टू नन्नू। अरे वो नजर बट्टू तभी तो मेरा चैनल चलता है। नहीं सुन तू, अब तुझे मेरा साथ देना मुश्किल की घड़ी में, ठीक है? अब बॉस आपको किसके साथ की जरूरत है, आप तो वैसे ही अपरंपार हो। नहीं नहीं सुन ना, मैंने सब कुछ करके देख लिया पुत्तन, मैंने ना टाइटल अच्छे अच्छे डाल के देख लिए, चेंज कर करके डाल लिए, फोटो डाल ली चेंज कर करके, व्यू आते ही नहीं है, मतलब मैं बड़ी मुश्किल में हूँ। अब देख तू जानती है मोड़ू, मतलब तेरा नन्नू, जो तेरा नन्नू है अकेला इतना कमा लेता है कि मोड़ू की डिग्री हो तो भी मोड़ू और बत्ती मिलके भी कमाए ना उतना नहीं कमा पाते। ये बात तो सही है। हाँ बस, है ना, वो भी मेरा नन्नू अकेले मोटू कोबरा बत्ती दोनों मिला करके उससे भी ज्यादा कहीं कमाता है। हाँ तो वही मैं कह रही हूँ ना, तू चल ना मेरे साथ, तू मेरे साथ चल। सुन तो बोलना काम नहीं आ रहा क्या? नहीं मैं कितना भी घोलूं, मैं कुछ भी करूं, काम ही नहीं आ रहा, मेरे व्यूज जो है खत्म हो रहे हैं धीरे धीरे। मैं क्या चाह रही हूँ, मैं क्या, सुन तू मेरी बात सुन, तू मेरे साथ चल वहां चंडीगढ़ में, तू आराम करी, तू पूरा रेस्ट करी, कंप्लीट रेस्ट, इतना रेस्ट करी, इतना रेस्ट करी कि तू ब्लॉग भी ना बनाई हो, ब्लॉग भी मैं बना लूंगी, तेरे सिनेमेटिक शॉट सारे मैं अपने चैनल पर डाल दूंगी, तू बस आराम करी, आराम नाल पड़ी रही बिस्तर पे, ठीक है? आराम नाल? हाँ। इतना सच्चा? हाँ। रुक रुक, मैं अभी नन्नू से पूछ के आती। नन्नू जी, 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 नन्नू जी। पुत्तन बड़ी, क्या हुआ आपको, आप धीरे क्यों नहीं भागती हैं? नन्नू जी चंडीगढ़ चले, ये क्या कर रहे हैं? ठीक है मेरा। हाँ चंडीगढ़ चलेंगे? हाँ आहो आहो चलेंगे, हाँ वहाँ बढ़िया बढ़िया ब्लॉग बनाएंगे। हाँ और आपकी जो माँ जैसी बॉस है मैं उसको भी लूंगा अपने ब्लॉग में। हाँ हाँ तो फिर पता है क्या कि फेस वैल्यू बढ़ जाएगी हमारे ब्लॉग की, और व्यू आएंगे, और हम घर में रिनोवेशन लगा देंगे अपने, क्या कहती हैं? अच्छा आइडिया, हम चलेंगे क्या? इनका बॉस, इनका बॉस, इनका बॉस, इनका बॉस, इनका बॉस, इनका बॉस, इनका बॉस। ये तो इतनी तेजी से भागती हुई कहाँ से आ रही है री? अरे मैं नन्नू जी के पास गई थी, अब क्या है मैं अकेले तो हूँ नहीं इनका बॉस, अब मेरे जो जिंदगी के सारे फैसले हैं ना, मेरे सरताज, गांव के पुत्तन पति और नजर पट्टू,
ननु जी लेते हैं। हाँ तो उन्हीं के पास गई थी मैं, वो भी आ रहे हैं अभी, वो तैयार है ना, वो भी साथ में चलेंगे। नहीं ऐसे नहीं करना था पुतन, मैं चाहती थी हम तू अकेले रहें, मुझे वो नहीं चाहिए, तू उसे मना कर क्या, हम साथ में नहीं है। नहीं क्या बात कर रही है, अब हम अकेले नहीं है, दो जिस्म एक जान है, हम जहाँ भी जाते हैं एक पैकेज है, एक साथ ही चलते हैं हम लोग, हम सब चलेंगे तो साथ चलेंगे नहीं तो नहीं चलेंगे। आपको नहीं पता है मैं जब बाथरूम में जाती हूँ ना तो नन्नू जी बाहर मेरा दुपट्टा लेके पकड़ के खड़े रहते हैं, और रात में जब अंधेरा हो जाता है दुपट्टा नहीं पकड़ते, मेरी परछाई पकड़ के खड़े रहते हैं, इतना हम एक साथ चलते हैं। नहीं ऐसे नहीं, मना कर, मैं साथ में, मैं नहीं नहीं चलेंगे तो दोनों चलेंगे, नहीं चलेंगे चिंगी पुतन की फटाफट से तू पड़ी रह यहाँ पे, अब देख मैं तेरे साथ क्या करूँ, आएगी मुझे लेके जाएगी, व्यू खाएगी, चल नन्नू जी बैग रख दीजिए। पुतन जी इस नन्नू ने अपनी पुतन नू अपनी पलका विच बिठाइया हैंगा, हाँ और अपनी गाड़ी विच आगे की सीट पे बिठाइया हैंगा, है नन्नू जी, हाँ है ना, हाँ हाँ और तो और ये नन्नू ने अपनी अपनी कमाई के पैसों से आपको समोसा खिलाया हैंगा, मोमोज खिलाए हैंगे, और क्या खिलाया था, गोलगप्पा खिलाए हैंगा, नमकीन लाई होंगी, मठिया लाई हैंगी, चाय पत्ती ला के दी हैंगी, नहीं है नन्नू जी, तो ये आपको बेचारी क्यों बोली, अरे नन्नू जी बेचारी होगी वो, इनका बॉस और उसका खसम मोटू कबरा, हाँ, क्या हुआ नन्नू जी, पुतन पुतन जी, हाँ नन्नू जी, या कि इनका बॉस क्या न्यूज दे रही है लोगों को, क्या न्यूज दी नन्नू जी, क्यारी के मासी बन गई हैं, ऐसे कैसे, हम तो यही बैठे रहेंगे, वो कहां से मासी बन गई, हमारी न्यूज वो दे रही है, वो भी टाइम से पहले, हाँ हैं, ऐसे नहीं पुतन जी, उनको नहीं खाने दूंगा मैं, आपके नाम की कमाई खा रही हैंगी वो, आपके नाम से व्यू कमा रही हैंगी वो, पैसे पैसे खा रही हैंगी, शांत हो जाइए नन्नू जी, शांत हो जाइए, शांत नन्नू जी, शांत हो जाइए नन्नू जी, छाछ पीजिए, छाछ पीजिए, आपको याद नहीं नन्नू जी, वो हमारे गांव में नदिया उस पार, नदिया उस पार, मुसु मुसु रहती थी, मुसु मुस्कान, हाँ मुसु मुस्कान, हाँ, हाँ जब वो पैदा हुई थी हाँ, तो आपका साला वो बत्ती, हाँ, वो अपना बत्ती चोर, हाँ, हाँ वो पूरा यूट्यूब पे वो खबर फैलाया कि मामा बन गया, मामा बन गया, पूरे गांव में मतलब एक महीना तक वो नाचा था, मामा बन गया, मामा बन गया, तो ऐसे क्लिकबेट दी होगी नन्नू जी, लेकिन पुतन जी कितनी गलत बात है, इस समय पे ऐसी न्यूज दे रही है, गलत है कि नहीं बताइए, है ना, इस बार मैं नहीं खाने देंगी नन्नू जी, ये तो हमारी मेहनत कमाई है ना नन्नू जी, उसमें इसमें इसमें उनका क्या हाल है, वो क्यों खाएंगी, हम खाएंगे, हाँ नन्नू जी इस बार तो हम पूरा हमारी मेहनत है नन्नू जी, हम खाएंगे नन्नू जी, किसी और नहीं खाने देंगे नन्नू जी, नन्नू जी मुझे आज भी याद है, हाँ ये भी नहीं है पहले, हाँ मुझे आज भी याद है नन्नू जी कि जब हमारी शादी हुई थी हा? तो मैं तो शादी से पहले ही आपका चैनल हिट कराना चाहती थी, हाँ नन्नू जी, लेकिन वो इंगड़ी बॉस रोक दी, वो सत्य वहां भी तैयार हो गई, मैं चलो ठीक है शादी बाद हिट करा देंगे, हाँ लेकिन शादी का पूरा खर्चा मैंने अपने पैसे की नन्नू जी, पूरा खर्चा अपने पैसे से की, गांव का जो बेस्ट वो था कैमरामैन, हाँ कैमरामैन वो जो था उसको मैंने तय किया था, वो आके खूब बढ़िया फोटोग्राफी किया नन्नू जी, और उस इंगुड़ी ने वीडियो ना डालने दी, इंगुड़ी तो इंगुड़ी बत्ती, बत्ती चोर, अलार्म बज गया, हाँ कहाँ का अलार्म था, कहाँ जाना था नन्नू जी, अच्छा शूटिंग करने जाना, अच्छा ठीक, हाँ मैं बता रही थी नन्नू जी को जो मेरे गांव का बेस्ट वीडियोग्राफर किया था, अच्छा अच्छा वीडियो बनाया वो, हाँ। लेकिन वो बत्ती वो डाल दिया मुझसे पहले, इंगड़ी बॉस हमको डालने ना दी नन्नू जी, आपकी सारे पैसे मेरे मजा लूटा वो सब, आपकी इंगड़ी ने मेरे को अपने तरफ की रस्म भी नहीं डालने दी, हाँ वो तो चलो हमारे घर में इतनी सारी रस्म हुई, हमने पुतन जी को नाच नाच के हमने स्वागत किया, पुतन जी के आगे हमने ऐसे महावर की थाली रखी, पुतन जी के कदम लिए, सब कितनी सारी रस्म हुई थी, सारी रिकॉर्डिंग भी हुई थी, लेकिन इंगड़ी ने डाले ना दिया कि हमारा चैनल हिट हो जाएगा, व्यूज आ जाएंगे, इस बार नहीं, इस बार नहीं,
इस बार हमारे काम है ननु जी। इस बार तो सारी मेहनत हमने की। जब हमारा वो वीडियोग्राफी का सीडी बन के आ गया तो मैं सीडी लेने गई ननु जी। आहो। तो मैं क्या देखती हूँ, मोटू कोबरा ऐसे बैठा था सीडी के ऊपर, मैं हाथ देखूं ऐसे कर रहा था वो ननु जी। आहो। हाँ। आहो। है ना ननु जी। आहो। अभी थे ना ननु जी। आहो। और मैं अपने शादी का सीडी नहीं डाल पाई अपने चैनल पे ननु जी। आहो। शादी मेरी मजा कोई और। इस बार नहीं, इस बार नहीं ननु जी, इस बार हम नहीं होने देंगे। है ना ननु जी। हाँ ननु जी। आहो। चाहिए फोन ले इनका बॉस को। मेरे को तो डर लगती है सी, मैं नहीं, मेरे को डर लगा इनका बॉस से, मोटू कोबरा उठाएगा तो डस लेगा। चलिए सर, मैं मिला लूंगी। एक काम होता है, इधर आइए, मुंह खोलिए। हाँ। ये क्या है? अरे ननु जी आप बहुत मजाकिया किस्म के हैं ना, हंसते रहते हैं। आपके दांत गंदे हो जाते हैं तो दांतों के लिए कवर बना रहती है ननु जी। एक डेढ़ महीने में तैयार हो जाएगा ननु जी। हाँ मैं तो सोची कि इनका बॉस को फोन करके बोल दूं कि भी अपने मोटू कोबरा के लिए ऐसा कवर बना ले। कहाँ जा रहे हैं? अब आपने मुझे हड़का दिया, हम जा रहे हैं दुत्कार के भगात के, मतलब पति देव को कोई दुत्कार के भगाता है। हाँ अच्छा आप सुनिए, बात करेंगी। हाँ ध्यान से सुनिए। हाँ तो आप कॉल करेंगी तो आराम नाल बात करी, स्ट्रेस ना ली ज्यादा, आराम नाल। हाँ स्ट्रेस ना ली, ठीक है। पिछली बार आपने क्या करा था, पिछली बार आप बिल्लियों जैसे लड़ी थी दोनों। हाँ हाँ और वो मोटू कोबरा जो बाहर हमारे गेट के आगे खड़ा हो गया था, चिल्ला रहा था। बात हाँ क्या बोलता है, ए नन्नू एजेंट बाहर आ, तूने बकरी का दूध पिया है तो। क्या बात कर रहे हो? हाँ मैं गया ही नहीं बाहर, मैंने बकरी का दूध कभी पिया ही नहीं। फिर कह रहा ए नन्नू एजेंट ऊँट का दूध पिया तो बाहर आ, ऐसे बोला ए नन्नू एजेंट। हाँ अब फिर नहीं गया मैं, मैंने ऊँट का दूध पिया नहीं, हमारे गाँव में ऊँट है ही नहीं। फिर बोला ए नन्नू एजेंट भैंसे का दूध पिया तो बाहर, अब भैंसे तो दूध देता ही नहीं, मैं फिर नहीं गया। फिर गया बिल्कुल, फिर बोले ए नन्नू एजेंट गाय का दूध पिया तो बाहर, अब मुझे जाना पड़ेगा। हाँ भाई। फिर मैं गया तो देखूं क्या कि वो जो है अपनी बिल्ली को हाथ में लेके बैठा है, हैं? और बिल्कुल बिल्ली जो है खस्त पस्त पड़ी है एकदम, उसके खरोच लगी हुई है चारों तरफ। इनका बॉस। हाँ और फिर मुझसे कहता है कि अपनी बिल्ली नू तू नाखून काट, मेरी बिल्ली ने जख्मी कर दी सी, हैं? यूं बोलना मेरे को, है ना मेरी फूल जैसी, जानती है ना फूल क्या होता है? हाँ ननु जी जो पेड़ पर लगता है फ्लावर। ओहो वो फूल होता है फा फा फूल, इंग्लिश का फूल मूरख मूरख। हाँ फूल जैसी, वो बोले कि मेरी फूल जैसी नाजुक बीबी को तेरी बीबी ने वो कर दिया घायल, अब आराम आराम नाल बात करी, ठीक है? नाखून काट ली? नाखून मैं क्यों काटूं, नाखून वो काटे। अभी ठीक करती हूँ इनका बॉस का दिमाग। ओफो लोग मुझे खेती बाड़ी भी करने नहीं देता, पता नहीं किसका फोन आ रहा है। जिनकी पुतन की फटाफट से। हेलो क्या रे, ये तुम क्या कह रहे, तू बेचारी तेरा मोटू कोबरा बेचारा क्या है? मैंने कहा था ना चल मेरे साथ चल चंडीगढ़ चल। चुप कर हुन ना बोली तू, चुप कर तू हुन ना बोली। ये क्या हो गया पुतन जी, आपको मना किया था ना बिल्ली जैसे मत लड़ना। अरे वो ठीक है, मैं थक गई बहुत, नारिश पानी लेकर आइए पुतन की फटाफट से। अगर आप लोग भी मेरे हक की लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए प्रेम मिनोलॉजी चैनल को। बाय। मोटी आजकल बहुत दुखी घूम रही है, चलो उसके लिए कुछ करता हूँ, उसको सरप्राइज देता हूँ। वही क्या याद रखेगी मोटू ने एकदम पतली पतली सरप्राइज देकर रखी है। चलिए कुछ इंतजाम करता हूँ, कुछ फ्री ढूंढता। होटल छुक छुक। हेलो। हेलो सर जी। ए फ्री में खाना मिलेगा क्या? ए दिमाग खराब है क्या, ये होटल है मंदिर नहीं है, रखो वन। नहीं दूसरे को मिलाता हूँ, ऐसा क्या है, वो इतने सारे होटल है पहाड़ा बीच। होटल टक टक। हेलो। ए फ्री में खाना मिलेगा क्या रे? तुम कौन हो रे? अरे मैं मोटू कोबरा, वो इंडियन यूट्यूबर इनका के पति। अरे हाँ वही वही वही। तुम लोग जरा इधर आओ, वापस सारा का सारा खर्चा वापस करो, हमारी मेंटेनेंस दो। तुम्हारी बीवी बैठी थी ना हमारी तकियों में, अब तक बदबू नहीं गई है। अरे फोन कट, ये तो
गलत जगह फोन लगे फिर से वहीं है। एक बार हम जहाँ जाते हैं दोबारा नहीं जाते हैं, इसको ब्लैकलिस्ट कर देता हूँ, फोन कभी दोबारा लगे ही नहीं। चलो ये होटल पिक पिक, होटल पिक पिक। हेलो, ए फ्री खाना मिलेंगे क्या रे? आप कौन बोलत बानी? हाँ मोड गोरा, आप इंडियन यूट्यूबर इंगा? अरे हाँ हाँ वही 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 मैं मोड गोरा। अच्छा सर, हमने आपकी पत्नी का बहुत नाम सुना है। हाँ बहुत नामी गिरामी है वो। वो वजीफा में चलती है? हाँ वजीफा, वजीफा वाली हुआ। तो सर हम ये चाह रहे हैं कि हम आपको वजीफा देंगे। हाँ। और हम अभी नए नए खुले हैं, अब नया इसलिए तुमको फोन किया, नए नए खुले हो तो। हाँ तो सर क्या आपकी पत्नी हमारा प्रमोशन कर देंगी? प्रमोशन? हाँ हाँ करा देंगे, लेकिन फ्री पैसा कितना दोगे? पैसे कितने देंगे? पैसे क्या बात करे सर, हमारे होटल का वन नाइट स्टे है 500 रुपीज, तो हम वो वाले पैसे आपसे नहीं लेंगे। 500 रुपीज? और पैह की बात कर रहे हैं आप, तो आप एक काम कीजिएगा कि हमारे होटल में अनलिमिटेड ब्रेकफास्ट है, आप वो फ्री में खा के चले जाइएगा और एक कप चाह भी मिलेगी। वो कौन दे करे? हाँ हम लोग पोह भी रखते हैं, खा लीजिएगा आप। वो और क्या चाहिए, एक कप चाह एक कटोरा पोह मिल जाए लाइफ मजा नहीं। तो चल आप जल्दी आ जाइए, क्योंकि अगर हम फेमस हो गए तो हमको आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या बात कर रही है? हाँ जल्दी आ जाइए सर। ओके ठीक है, अभी हम आ रहे। ओके बाय बाय। ए अरे मेरी इंकुड़ी के लिए था, तेरे लिए थोड़ी जा। बदतमीज बुढ़े। ए इंकुड़ी चल, आज तेरे को सरप्राइज देगा मैं।